नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच बागपत से एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर लेकर आया हूं। बागपत की सरूपर की एक बेटी प्रीति नैन ने आज बागपत जनपद और उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करा है, क्योंकि विदेश से एक मेडल जीत कर आई है। हालांकि मेडल ब्राउन मेडल है, यानी तीसरे नंबर का, लेकिन कहीं ना कहीं बागपत जनपद का नाम रोशन किया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रीति के ये बोल। आपका पूरा नाम परिचय जानेंगे। हाँ जी, मेरा नाम प्रीति नैन है। अच्छा, मेरे पापा का नाम सतेंद्र सिंह है, गांव सरूरपुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत। अभी ब्राउन मेडल जीता है, कहाँ से जीत का है ये? मैंने जॉर्जिया बूटामी में ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे मैंने ब्राउन मेडल हासिल किया। अच्छा, हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंजरी के बाद मैं बहुत टाइम के बाद खेल रही हूँ, मेरा पहला इंटरनेशनल था, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंडिया में आए हो, कैसा स्वागत हुआ? बहुत जोरदार, हौसला इतना बड़ा है कि नेक्स्ट टाइम गोल्ड लेके आऊँगी। अच्छा, परिवार के लोगों से मिले आंखों साफ हुआ गए? क्योंकि सपना था ये इंडिया के लिए खेलना और पापा को प्राउड फील करवाना। अच्छा, क्या कहोगे बागपत के अपने जैसे युवाओं के लिए? बहुत, पहले इतना सपोर्ट नहीं था जब मैं पहले खेलती थी, लेकिन अब बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। लोगों को क्या कहोगे, संदेश क्या दोगे? यही कहूँगी कि अपनी सोच को थोड़ा बदले और लड़कियों को सपोर्ट करे गेम में, स्टडी में, हर चीज़ में, उन्हें डिमोटिवेट ना करे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मतलब उनका साथ दे, उन्हें दबाए ना। जिस तरीके से प्रीति के आपने बोल सुने, वो जॉर्जिया एक देश है जो वुशु एक गेम है, इंटरनेशनल गेम है, उसमें ब्राउन जीती है और कहीं ना कहीं उसको लेकर गांव में भव्य स्वागत किया गया है। और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे ही बागपत में एंट्री की और गांव के लोगों को देखा तो प्रीति की आँखें नम हो गई और साफ तौर पर अपनों से मिलकर कहीं ना कहीं खुशी जाहिर किया, क्योंकि 2 महीने बाद वो गांव पहुंची है। जिस तरीके से इस जो टूर्नामेंट है इसकी तैयारी में जुटी हुई थी और आज ब्राउन मेडल जीतकर लेकर आई है, तो आइए सुनाते हैं जो उनके कोच है, उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? रविंद्र बल्हारा मेरा नाम है, बॉक्सिंग कोच, साथ में मैं वुशु खिलाता हूँ। रविंद्र जी, अभी बागपत की बेटी ने ब्राउन जीता है, कहाँ से जीता है, क्या इनको शिक्षा? बिल्कुल बिल्कुल, इसने इंटरेस्ट लेवल पे जो मेडल जीता है, बहुत ही मेहनत लड़की है और आज हमारे यूथ के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है और इन्होंने एक आइडियल बनी है यूथ के लिए। और इन्होंने गांव की एक साधारण परिवार की लड़की, एक छोटे से गाँव से उठ के विदेश में तिरंगा लहरा सकती है, तो बाकी जो यूथ की बात है वो भी यहाँ तक जा सकते हैं। और आशीर्वाद है हमारा गुड़िया को आगे भी ऐसे मेडल जीतते हुए, और मेन टारगेट एशियन गेम्स का बना है प्रीति ने, और मुझे विश्वास है ये वहाँ तक पहुँचेगी और मेडल जीत के देश प्रदेश में जो युवा नाम रोशन की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, जो युवा आजकल खेलों की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनको यही कहना चाहूँगा, प्रीति से सीखे कि जो एक साधारण गांव की लड़की, जो हम हमारे समाज में मानते थे कि लड़की खेल नहीं कर सकती गांव से बाहर जाके, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि लड़की भी कर सकती है, और जो यूथ है आने वाली जो इसकी नई पीढ़ी है, जनरेशन है, वो भी कर सकती है और बॉयज भी, लेकिन उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा और इससे सीखना पड़ेगा। प्रीति का खेल देखकर कैसा लगा, जिस तरीके से खेलती थी? बिल्कुल अच्छी, बहुत टेक्निकल, बहुत इम्प्रूवमेंट है प्रीति में, पहले से बेस अच्छा है, टेक्निकल खेली है, और ऐसे ही चलती रही तो आने वाले एशियन गेम्स में हमारे देश के लिए मेडल जीतेगी, इसमें मैं श्योर। बागपत के छोटे से गांव सरूपुर से निकलकर प्रीति नैन ने आज देश दुनिया में बागपत जनपद का नाम रोशन किया है। इस बात को लेकर जो प्रीति नैन के जो पापा हैं, पिताजी हैं, आइए उनकी सुनाते हैं आखिर उन्होंने किस तरीके का बेटी को अपना आशीर्वाद दिया और साफ तौर पर खुशी जाहिर की है। क्या नाम है जी आपका? सतेंद्र नैन है जी। सतेंद्र जी, प्रीति बेटी है। हाँ जी। विदेश में खेल का ही। हाँ जी। कौन सा गेम खेल का ही, कैसा लग रहा, क्या जीता? ये वुशु खेल का, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग। अच्छा। हाँ जी। क्या जीता इन्होंने? तीसरा मेडल फटाने का। अच्छा, ब्राउन मेडल। हाँ जी, ब्राउन मेडल। अच्छा, क्या कहोगे बेटी को लेकर? भाई जी, भाई पे तो जितना जैसा गरीब आदमी है जितना मारे था उतना कर रेस के लिए चल के लिया। अच्छा, वैसे जब जो मारे थोड़ा कुछ होता दिल होता है बहुत ऊपर जा लेती। अच्छा, फिलहाल अब भी तीसरा स्थान ले गई है, देश का नाम रोशन करा है। हाँ, तो आगे भी पूरा सहयोग करेंगे जितना मारे होगा। अच्छा,
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा देख कहा जी। इंडिया में आते ही प्रीति नैन का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। खुद खेल मंत्री ने भी उनको बुलाकर उनका भव्य स्वागत किया है और जनपद वासियों में तो खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी जिस समय प्रीति नैन आई। और साफ तौर पर प्रीति नैन ने अपने आप को बताया कि वो एक इंजरी से उठी थी और उसकी जो हालत थी वो ख़राब थी, उसके बावजूद वो ब्राउन मेडल जीत का है। यानी बेटी, आज बागपत की बेटी देश दुनिया में परचम लहरा रही है। ये साफ तौर पर एक प्रेरणा है, जो सबसे पहली यह प्रेरणा जनपद की मानी गई है वो दादी चंद्रो और प्रकाशो, जो 60 साल की उम्र से शूटिंग में चली थी और 80-90 साल की होने के बावजूद भी आज भी उनका निशाना बरकरार देखने को मिलता है। साफ तौर पर उन युवाओं के लिए सीख है। और उसने प्रीति ने साफ अपने शब्दों में बताया कि लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, लड़कियों को प्रोत्साहित करें, उनका साथ दे। साफ तौर पर उसके परिवार वाले भी, उसके फादर का भी यही कहना था कि बेटी को जितना हमने सपोर्ट कर सकते थे उतना करा, लेकिन और ज़्यादा भी करेंगे या और जिस तरीके से बेटी और आगे भी गोल्ड जीतने की बात कही है। यानी साफ तौर पर युवाओं के लिए मैसेज और बागपत की बेटी ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया। कैमरा सहयोगी तस्वीर के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।